वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माइक्रोफोन है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। आप इसे देखते नहीं हैं लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, हेडसेट, ब्लूटूथ हेडफोन, ऑडियो रिकॉर्डर्स हर जगह यूज़ होता है। लेवलियर माइक्रोफोन में ये होता है और ये बहुत ही सस्ता होता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही सस्ता है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। ये जितना सस्ता है उतना ही अच्छा है। मार्केट में एक बोया कंपनी का लेवलियर माइक्रोफोन है जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो भी एक बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक्रोफोन ही है और एक माइक्रोफोन यूनिट और कुछ वायर्स के अलावा कुछ नहीं है उसमें। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उस क्वालिटी का या उससे भी अच्छा माइक्रोफोन आप खुद से बना सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपको मैं इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा और कैसे इसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊँगा। बहुत ही कम पैसे में सस्ता और बेस्ट माइक्रोफोन है ये। 20 से 16 किलोहर्ट्ज़ तक बिल्कुल फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होता है। इसकी वजह से ही इसे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ करते हैं। फुल नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर माइक्रोफोन और इसकी वर्किंग भी सेम कंडेंसर माइक्रोफोन की तरह होती है। इसमें दो डायफ्राम्स होते हैं और कंडेंसर माइक्रोफोन में डायफ्राम को चार्ज हम अलग से देते हैं, जब भी वर्क उससे लेते हैं चार्जिंग वोल्टेज देनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक मेम्ब्रेन को परमानेंटली चार्ज कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, इसलिए इसको पोलराइजिंग वोल्टेज हमेशा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं तो डायफ्राम में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से कैपेसिटेंस में चेंज होता है। उस कैपेसिटेंस को, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस को हम बाद में साउंड वेव्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। लेकिन इस माइक्रोफोन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली कहीं। आप ऐसा नहीं है कि दो तार लगा दिया और कनेक्ट कर दिया सीधे पिन में और काम करने लगा। पावर्ड माइक्रोफोन है ये, इसको पावर चाहिए काम करने के लिए। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इसे यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी पावर देता है, जैसे साउंड कार्ड हो गया, ऑडियो मिक्सर हो गया, आजकल की ज़्यादातर चीज़ों में काम करता है, लेकिन एम्पलीफायर्स वगैरह में डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा। एम्पलीफायर्स में अगर आपको लगाना है तो एक प्रॉपर सर्किट इसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा, इसको पहले पावर देना पड़ेगा, लेकिन वो सर्किट भी बहुत ही ईजी है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन डिटेल आप दे सकते हैं। ये क्लॉथ है ऊपर जो हार्श साउंड्स को थोड़ा स्लो कर देता है। ये बॉडी है एल्युमिनियम की बनी हुई और ये बैक प्लेट है। बैक प्लेट में आप ये लाइंस देख रहे हैं, तो जो लाइंस लगी हुई है इसकी बॉडी से, ये इसका माइनस पोल है और ये प्लस पोल है। ये जो कैप्सूल कार्ट्रिज में दिखा रहा हूँ ये नॉर्मली मिलता नहीं है मार्केट में, ये यूनिडायरेक्शनल है। इसमें साइड्स में भी होल हैं, पीछे भी होल हैं। मार्केट में जो मिलता है वो ओमनीडायरेक्शनल कैप्सूल मिलता है। ओमनीडायरेक्शनल यानी कि हर डायरेक्शन से आपकी आवाज़ को बराबर कैच करेगा ये, तो वॉइस वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल होता है। सिंगिंग के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हैं अगर एक आप प्रॉपर सर्किट बना लें। आगे चल के इसका सर्किट मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनाना है और किस तरह से यूज़ करना है, ये आप देख सकते हैं। मिनी 3.5 mm हो या 6.5 mm हो, TRS हो, क्वार्टर इंच हो या XLR हो, किसी में भी कनेक्ट करके आप इसको आप अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। लेकिन पावर इसको एक्सटर्नल, एक आपको 9 वोल्ट बैटरी, वैसे तो ये 1.5 वोल्ट से ही वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9 वोल्ट बैटरी से अगर आप वोल्टेज देते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू तो काफ़ी अच्छा हेडरूम आएगा। अगर आपने मार्केट से रेडीमेड इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक्रोफोन का कोई यूनिट लिया है तो आपको यूज़ करना बहुत आसान है, जैसे बोया का, और भी बहुत सारे हैं, आहूजा के हैं, लेकिन उनकी कीमत जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इस कैप्सूल की कीमत बहुत ही कम है, उस हिसाब से उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा मुझे लगती है। तो मैं बता देता हूँ, ये कैप्सूल मार्केट में सिर्फ 10 रुपीज़ का मिलता है,
जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 10 रुपीज़ का। तो ये अनबिलीवेबल है। पहले पैनासोनिक इसे बनाती थी, WM16A करके एक मॉडल था इसका, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी में माना जाता था, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। फिर भी बहुत सारे जेनेरिक कंपनीज़ उसको बना रही हैं, सभी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। खुद से ख़रीद के बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, तो एक शील्ड वायर मैंने लिया है, शील्ड वायर ही यूज़ करें फ्रेंड्स, नहीं तो हमिंग और नॉइज़ आने का चांस रहता है। तो ये लो, मैंने इसके प्लस पॉइंट पे जोड़ दिया है और शील्ड आउट का वायर मैंने माइनस पे जोड़ा है। उसके बाद एक पिन आप ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे हेडफोन ख़राब पड़े होंगे, किसी भी हेडफोन से निकाल लीजिए, मार्केट में भी मिल जाता है ये। ग्राउंड थर्ड पिन में, ये थर्ड पिन का आउट है यहाँ पर, और आउट यहाँ पे लगाया हुआ है। और अगर आप बिल्कुल डायरेक्शनल कोई काम करना है, जैसे कि सिंगिंग करनी है आपको, या प्रॉपरली हैंड में पकड़ के आपको इसको यूज़ करना है, तो यूनिडायरेक्शनल कैप्सूल अगर आपको मिल जाए तो यूज़ करें, नहीं तो ओमनीडायरेक्शनल कैप्सूल कंडेंसर माइक्रोफोन में ज़्यादा अच्छा रहता है, और यही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो अभी आप जो सुन रहे हैं वो खुद से बनाए हुए माइक्रोफोन की ऑडियो है, और यूनिडायरेक्शनल कैप्सूल है इसमें। आपको महसूस हो रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और किस तरह से मोबाइल को कॉन्फ़िगर किया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और एक अच्छा हाउसिंग, एक अच्छी बॉडी और अच्छा पावर सप्लाई वगैरह बना के, अच्छे वायर्स कनेक्टर्स यूज़ करके अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन रहेगा। आपको बोया या हुजा या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम 100% इससे हो जाएगा। आउटडोर में, इंडोर में रिकॉर्डिंग करना हो, आप इससे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा कि आप सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस माइक को खुद ही बना के इसका बेनिफिट लेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। माइक्रोफोन के ऊपर एक दो वीडियो और मैं डालूँगा, जो भी डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन मुझे मिलेंगे। और नेक्स्ट मैं यामाहा MG12XU ऑडियो मिक्सर है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या खासियत है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय।